और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लंपी वायरस से मवेशियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको देखते हुए मवेशियों को टीकाकरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण लंपी वायरस को लेकर भगवान पर भी अपनी आस्था दिखा रहे हैं। सिद्रा भाटा के ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग कर गौठान में अनुष्ठान कर यज्ञ हवन करवा रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि विज्ञान के साथ साथ आस्था भी जरूरी है, सनातन संस्कृति से चली आ रही है और गौ सेवा की परंपरा रही है। बता दें कि देश में अब तक तकरीबन 70,000 पशु लंपी स्किन डिसीज की चपेट में आने से मौत के घाट उतर चुके हैं। यह जो बीमारी है एलएवीडी बोलते हैं, एलएसडी, और यह जो है नवरात्रि के जस्ट बाद से शुरुआत हुआ है। कृषकों के द्वारा, पशुपालकों के द्वारा सूचना था, हम लोगों को मिला, हम लोगों ने सूचना पशु विभाग को दिए। इस पशु विभाग संज्ञान में लेते हुए इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी टीम सतर्क अपना निगरानी कर रहे हैं और टीकाकरण भी किए हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग सभी गाँव में इसका संक्रमण दिख रहा है और लगभग 100 के हम लोग के 8 गाँव में जो ऑलरेडी में अधीनस्थ जो ग्राम है, करीब 100 के करीब जानवर इन्फेक्टेड दिखे हैं। तो जैसे हम लोगों को इनकी जानकारी मिली, सिम्टम की शुरुआत हुई, विभाग को इसकी बात पहुंचाई गई हमारे डिप्टी ऑफिस के में, वहां से हमको टीका द्रव्य उपलब्ध कराया गया और तुरंत हमने हर गांव में पहुंचकर उसका टीकाकरण, एसिम्टोमेटिक जो जानवर थे उनमें टीकाकरण लगवाया गया बचाव के लिए, ताकि जानवर बीमारी फैले मत।